होली खेलते समय इन बातों का रखें खास ध्यान। जेल अस्पताल के चर्म विभाग के डॉक्टर ने दी खास सलाह। चेहरे और बालों को नुकसान पहुंचाने वाले कलर का न करें इस्तेमाल। आज होली का दहन के बाद कल जिस तरह होली खेली जाएगी वह होली घातक न हो, इसके लिए चर्म विभाग के डॉक्टर ने खास सलाह शहरवासियों को दी है। डॉक्टर ने बताया कि चेहरे को और बालों को नुकसान पहुंचाने वाले कलर का इस्तेमाल ना करें। कई कलर ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से चेहरे पर चीरे या जलन के आसार रहते हैं। इसके अलावा बढ़िया क्वालिटी का गुलाल इस्तेमाल करें। कई गुलाल में मिट्टी की मिलावट भी पाई जाती है जिसकी वजह से सांस में परेशानी होती है। सबसे पहले मैं चर्म रोग विभाग जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर की तरफ से और राजस्थान आईडीबीएल संगठन की तरफ से पब्लिक को बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान का सचिव और यहाँ का विभाग अध्यक्ष हूँ, कि होली भाईचारे का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, तो इसको खुशी से ही मनाएं। कोई ऐसा कलर हानिकारक जिसमें कि हैवी मेटल्स होते हैं वो काम में ना लें, जिससे कि आँखों में बर्न हो जाए और चमड़ी पर बर्न हो जाए और बाल, स्पेशली लेडीजों के बाल जल जाए, जैसे कि फिर थोड़ी सी उनको कॉस्मेटिकली भद्दा लगेगा। तो नेचुरल कलर से होली खेलें, ड्राई होली खेलें और कलर बिल्कुल तिलक होली खेलें और पानी से वाटर होली खेलें, लेकिन हैवी मेटल से बने हुए केमिकलों से युक्त कलर से बचें, क्योंकि इनसे परमानेंट आँखों में डैमेज देखा गया है, कई बार बालों में भी डैमेज देखा गया है और स्किन में भी फेस पे काफ़ी बर्न देखा गया है। तो इन कलरों से बचें, नेचुरल फूलों से बने हुए नेचुरल कलरों से होली खेलें। सिंथेटिक और जो केमिकल हैवी मेटल से बने हुए जो बाहर से कई कंट्रीज से सुना है कि चाइना जैसे देशों से जो कलर आए हुए हैं, उनसे बचें और अपने बने हुए नेचुरल फूलों के कलरों से होली खेलें। धन्यवाद।